नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। वस्तु और सेवा कर विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। अगले 5 वर्षों तक राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। देश में कौशल विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अंतर्गत व्यापक रूपरेखा तैयार की है। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका क्षेत्र विस्तार के मद्देनजर सेवाओं और संपत्तियों के स्थानांतरण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक ने अलर्ट सेवा शुरू कर दी है और एमबी निकोबार आज कोलकाता के लिए प्रस्थान कर रहा है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। लोकसभा में वस्तु और सेवा कर विधेयक पास हो गया है। विधेयक पर सदन में हुई बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को आश्वासन दिया कि जीएसटी के लागू होने के बाद अगले 5 वर्षों तक इसके कारण होने वाले घाटे की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार विधेयक में कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में जीएसटी परिषद मामले का निपटारा करेगी। देश में कौशल विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अंतर्गत व्यापक रूपरेखा तैयार की है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल लोकसभा में बताया कि इस नीति के माध्यम से सरकार ने कौशल विकास के लिए संस्थागत ढांचा तैयार किया है। इसमें कौशल विकास एजेंसी, प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शामिल हैं। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका क्षेत्र विस्तार के मद्देनजर नगर पालिका और संबंधित पंचायतों के बीच सेवाओं और संपत्तियों के स्थानांतरण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पिछले मंगलवार को नगर पालिका सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि नए शामिल हुए क्षेत्रों में साफ सफाई का कार्य 1 जून से नगर पालिका को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में लगे स्ट्रीट लाइटों की वार्षिक रखरखाव अनुबंध की समाप्ति के बाद उन्हें नगर पालिका को दे दिया जाएगा। बैठक में फैसला किया गया कि इन क्षेत्रों में पंचायत द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को इस वर्ष सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा अब से इन क्षेत्रों में बनने वाले सभी भवनों के बिल्डिंग प्लान नगर पालिका में अनुमोदन के लिए जमा किए जाएंगे। 3 अप्रैल से पहले जमा प्लान का अनुमोदन पंचायत द्वारा किया जाएगा। बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, शहरी ग्रामीण विकास विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी राज्यों में अटल पेंशन योजना APY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में